तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मनोज वाजपेयी जी और प्राची देसाई सीक्वल हम करते हैं किसी भी चीज तो ऐसे केस में आप जाकर है, है हमेशा बदलता है एक बहुत प्यारा वीडियो है ना? बाबिल का वो किसी इवेंट का वीडियो है वो दूर से आपको देखते हैं हाई करते हैं भाग के आपकी तरफ आते हैं मुझे दिखता ही नहीं है मैं और जितने क्लोज हैं उतने क्लोज मैं और इरफान नहीं थे हम दोनों की सर्कल अलग अलग थी hmm. उसके चले जाने का दुख तो पूरे उसके सारे जितने भी चाहने वाले तो बहुत, बहुत ज्यादा है deserves to be आने वाला समय ऐसा होगा कि मैं घर बैठे एआई से एक फिल्म बना लूंगी लेकिन क्या एआई केके की कोई फिल्म कर पाएगा या hmm. इरफान की कोई फिल्म कर पाएगा एआई की भी एक लिमिटेशन है इंसान तो आज के समय में किसी एक्टर में आपको ये दिखता है जो आंखों से बोल रहा हो। नवाज है के है, बहुत सारे और एक्टर्स हैं, है जी। करना बहुत पसंद है विद्या बालन बहुत पसंद है संदीप रेड्डी वांगा जो तरह का सिनेमा बनाते हैं अगर वो कभी आपको अप्रोच करें। मैं वो बोलूंगा नहीं तो नमस्कार मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं सिनेमा अड्डा हमारे साथ आज हिंदी सिनेमा के ऐसे कलाकार मौजूद हैं जिनकी फिल्में हम बार बार देखना पसंद करते हैं कई फिल्में मैंने कई बार देखी हैं लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें अपनी फिल्में देखना पसंद नहीं है वो अपनी फिल्में नहीं देखते हैं वो एडिट रूम में जाते तक नहीं हैं और एक और मेहमान जो हमारे साथ मौजूद हैं उनके उनको उनके साथ बचपन की यादें जुड़ी हैं ये मैं कह सकती हूँ क्योंकि उनका एक टीवी सीरियल आता था जिसे शाम को देखने के लिए हम फटाफट अपना होमवर्क पूरा कर, ले, कर, कर थे तो आज हमारे साथ स्टूडियो में है मनोज वाजपेयी जी और प्राची देसाई वेलकम थैंक यू आप आप बहुत प्यारी और आप बहुत प्यारी लग लग रही और कूल रहे मनोज सर थैंक यू आज आज तो मैं आज तो दिन बहुत। <laughs> ये आजकल रोजी को बहुत कूल लगते हैं आप भी बहुत हाँ? अच्छी लग रही है और आपकी बहुत सुंदर लग रही है थैंक यू प्राची ने आने के साथ भी मुझे ये कॉम्प्लीमेंट दे दिया था सो थैंक यू सो मच आप कहते हैं कि आ, आप अपनी फिल्में नहीं देखते हैं वापस आपको पसंद नहीं है वो करना आपको अपना अभिनय पसंद नहीं है लेकिन हम तो कायल हैं उसके जब आ, सीक्वल हम करते हैं किसी भी चीज़ का जैसे आपने फैमिली मैन के करे और उसके अलावा अब आपने साइलेंस का जो दूसरा पार्ट है वो आ रहा है आपकी फिल्म आ रही है तो ऐसे केस में आप जाकर के वापस देखते हैं कि आपने पहले क्या किया था वो देखना पड़ता है फिर वो होमवर्क का हिस्सा हो जाता है हाँ उसके लिए जरूरी है कि हम जाकर देखें कि कैरेक्टर क्या था क्योंकि आप जब आपने किया ख़त्म किया था तब से लेकर के दूसरे के शूटिंग तक में काफ़ी वक्फा गुजर जाता है और उस बीच में आप कई सारे और किरदार निभा चुके होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वापस जाइए और फिर जो भी फिज़िकल और मेंटल नोट्स है वो बनाना पड़ता है तो मैं हमेशा करता हूँ ये उससे मैं आसानी हो जाती है जब आपका प्रिपरेशन होता है तो Uh, जब आप रीडिंग के लिए भी पहुंचते हो या फिर शूटिंग के लिए पहुंचते हो देर इज़ अ कॉन्फिडेंस दैट यू नो कैरेक्टर एक बेस आपने तैयार कर दिया है उसके बाद वो इमारत मुझे खड़ी करनी है तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रिपरेशन का हिस्सा हो कि आप वापस से जाके अपने काम को देखिए अभी जैसे फैमिली मैन की शूटिंग शुरू होने वाली है तो अब अब मेरी प्रिपरेशन ऑलमोस्ट शुरू हो चुकी है लेकिन अभी प्रमोशन ख़त्म करके साइलेंस का मेरा पूरा शेड्यूल है कि जा कर के वापस फैमिली मैन को देखना है मुझे और लेकिन इस बार जब आप देखते हैं तो स्किप कर कर के चीज़ों को देखते हैं बहुत सारी चीज़ें हम स्किप करते हैं उसमें और कैरेक्टर के जो बेसिक्स हैं उसको आप नोट डाउन करते हैं और उसके अपने जो तरीके हैं वापस से रिवाइज करने की हमको जहमत उठानी पड़ती है क्योंकि ज़ाहिर सी बात है कि जब आप जब जब, जब आप जा रहे हो अभी तो चीज़ें अलग हैं कहानी अलग है और समय गुजर चुका है बहुत सारी चीज़ें और बीच में हो चुकी हैं हाँ।, हाँ ना बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं लेकिन बेसिस जो रहेगा बेसिक ह्यूमन एलिमेंट्स है उस आदमी का उस कैरेक्टर का उसको बरकरार रखते हुए कैसे कुछ और चेंजेस लेके आएँ उसकी पर्सनैलिटी में जो इस दौरान में इस वक्त में जो है उसके साथ जुड़ गई हैं तो वो सब चीज़ों पे काम तो एक बड़ा चैलेंज होता होगा ना कि वो पर्सनालिटी का जो बेस है वो ट्रेड तो वही रखना है लेकिन अब क्योंकि नया सीजन नया जो है वो आ रहा है पार्ट तो लोगों को भी कुछ नया चाहिए वो भी आपसे कुछ नया उम्मीद करते हैं तो उस पर्सनालिटी को बनाए रखते हुए कुछ वो कुछ बदलाव कर, करने पड़ेंगे ना हाँ। क्योंकि काफी वक्फा गुजरा है बीच में बहुत सारी घटनाएं घट चुकी हैं जो कि ऑडियंस को पता चलेगा कि ये सब सब ये सब घटनाएं घट चुकी हैं श्रीकांत के जीवन में और अब ये तीसरे सीजन में ये जिंदगी इसकी शुरू हुई है तो वो घटनाएं जो घटी हैं उसका प्रभाव तो उसके ऊपर तो होगा ही तो ये सारी चीजों पर काम करना पड़ता है आपका प्रोसेस कैसा रहता है यू नो एक एक बेसिक तो है जो यू ट्राई एंड फॉलो विथ एवरी प्रोजेक्ट मगर रोल के हिसाब से रिक्वायरमेंट हमेशा बदलता है तो आपको कितना इन डेप्थ जाना है कितना काम करना है रोल पर वो यू नो आपका स्क्रिप्ट आपको बताएगा डेफिनेटली अ बेसिक बिकॉज जैसे सर ने कहा यू आर लिटरली आई थिंक फ्राम ग्राउंड जीरो यू आर ट्राइंग टू ब्रिंग अप दिस ह्यूमन बींग एंड वो बस उन सीन्स तक सीमित मतलब सीमित नहीं है जो आपके स्क्रिप्ट में आपके पास है बट ये ये इस तरह से क्यों बिहेव कर रही है ये लड़की संजना जिस साइलेंस में और ए सी बी अविनाश इस तरह क्यों आ, इस चीज़ पर बिहेव कर रहे हैं उसका जो बेसिस है दैट

Odd, that had a very odd uh, way of uh, you know dealing with things in society and doing whatever uh, the person did so hota hai process yeah. but yes that basic of trying to create this person from uh, ground zero wo homework we have to do yeah. मनोज yeah. सर हम आपके जितने भी अगर हम कल्ट किरदारों की बात करें तो आई वॉन्ट से गुस्सा एग्जैक्टली लेकिन गुस्से के आसपास के इमोशंस उन किरदारों का हिस्सा रहे हैं जैसे ए सी पी अविनाश ही है उसको बहुत जल्दी गुस्सा आता है लेकिन आपके बाकी के किरदार भी कुछ कुछ ऐसे हैं जिन गुस्से के आसपास के इमोशंस हैं तो एक ऐसा इमोशन है जिन्हें अलग अलग किरदार में आपको अलग अलग तरीके से दिखाना है तो वो आप कैसे करते हैं वो प्रोसेस कैसे होता है कि गुस्सा ही है उसके आसपास का इमोशन है लेकिन हर किरदार का अलग होगा तो वो कैसे नहीं गुस्सा एक इमोशन है गुस्सा वन ऑफ द मेनी इमोशन है आ, कुछ लोग जल्दी रो देते हैं गुस्से में ना गुस्से हाँ में। कुछ लोग हाँ, internal... बहुत सारे लोग रो देते हैं बहुत होते हैं हाँ, में। कुछ लोग आ, कुछ लोग जो है आ, अगर उनको गुस्सा आता है तो वो महफिल छोड़ के चले भी जाते हैं थोड़ा सा बाहर हवा खा ले करके अकेले में रह के फिर वापस आ जाते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको पता ही नहीं चलता कि गुस्सा कब आया वो उनके लिए वो मोमेंट ब्लर हो जाता है वो आ, तो मेरे साथ में पहले के समय में था कि जैसे जब मैं थिएटर करता था या मैं बचपन में तो मेरी माँ का ये किरदार था उनको गुस्सा बहुत आता था मेरी माँ को तो वो मेरे अंदर आया था और और वो गुस्सा कब आएगा उस आदमी को भी नहीं पता होता है तो मेरे साथ में ऐसा था तो उस जब आप अपने ही गुस्से से आपको नफ़रत होने लगे तो आप कुछ कुछ सालों के बाद उससे डिटैचमेंट भी होता जाता है दो चीज़ें होती हैं आप किसी से अगर बहुत मोहब्बत करो या किसी से बहुत नफ़रत करो दोनों ही परिस्थितियों में कुछ सालों में आप उससे डिटैच होते जाते हो तो उस इमोशन से मैं डिटैच होना शुरू हो गया था क्योंकि से, से. हाँ बिकॉज मुझे उससे नफ़रत हो रही थी अपने गुस्से से धीरे 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 तो मैं डिटैच होना शुरू हुआ जब डिटैच होना शुरू हुआ तब उस पर काम करना शुरू किया एंड टूडे आई कैन सी दैट आई एम नाइन्टी परसेंट यू नो आई आई लुक एट माई पास्ट द एंगर एंग्री पास्ट नाइन्टी परसेंट मैं उसको दूर से देखता हूँ कि क्यों था क्या था तो अब मैं गुस्से का बड़ा अच्छा एनालिसिस भी हो चुका है अलग अलग आदमी के गुस्सा किस कौन सा आदमी किस किस तरीके से गुस्सा करता है किन किन परिस्थितियों में गुस्सा करता है कितना करता है किस तरह से करता है उसके तरीक़े क्या क्या होते हैं तो आपने बिल्कुल सही कहा कुछ लोग रोने भी लगते हैं बिल्कुल गुस्सा आता है वो चीखते चिल्लाते नहीं हैं वो रो भी देते हैं गुस्से में मैंने ऐसे लोग देखे हैं ये मेरे साथ भी होता है मतलब अगर मुझे किसी पे गुस्सा आ रहा है और मैं बात कर रही हूँ उस समय तो मैं रोने लगती हूँ मुझे, हाँ, मुझे, मुझे, yes. मुझे इसलिए नहीं रो रही है किरदार का देखना पड़ता है कि किस किरदार को किस तरह से गुस्सा आएगा उसका तरीका क्या है उस होगा और वो डिसाइड होता है उसकी बैक स्टोरी से वो तो उसकी जो बैक स्टोरी होगी या तो आप खुद बनाते हो या आपको स्क्रिप्ट से आइडिया मिल जाता है उसकी बैक स्टोरी का तो उस पर आप उसको बेस करते हो बट तो वो एक्टर टू तो एक्टर वेरी करेगा वेरी हमेशा करेगा। हाँ।, हाँ आप हमेशा कहते हैं कि आपके किरदार आपके साथ घर तक पहुंच जाते हैं और फिर वो आपकी मेंटल हेल्थ को भी अफेक्ट करने लगते हैं कई बार परिवार में भी आपको आपकी वाइफ ने भी ठोका है कि इस तरीके से बेहद मत करो किरदार को घर मत लाओ आप जब भी कोई फिल्म साइन करते हैं या कोई भी प्रोजेक्ट साइन करते हैं आप पहले स्क्रिप्ट पढ़ते हैं जब वो स्क्रिप्ट आपको ऐसे हंड्रेड परसेंट लगती है कि नहीं मुझे ये करना चाहिए आप उससे अग्री करते हैं आप वो करते हैं आपको डायरेक्टर का वर्जन समझ में आ गया आपको स्क्रिप्ट समझ में आ गई आपने वो प्रोजेक्ट साइन कर लिया अब आप सेट पर हैं शूट कर रहे हैं लेकिन आपके आसपास बहुत सारे लोग हैं जो शूट कर रहे हैं हो सकता है कि जिस तरीके से आपने डायरेक्टर का विजन पकड़ा हो उस तरीके से दूसरे किसी एक्टर ने ना पकड़ा हो सेट हुँ. पे तो क्या वो भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आप, अच्छा अच्छा आप, हाँ, हाँ, किया। किया। आप इस तरह के सवाल कर रहे क्योंकि ये एक जिम्मेदारी होती है और एक अनुशासन भी है डिसिप्लिन है जिसको मैं मेनटेन करने की कोशिश करता हूँ जहां भी हो सकता है जिस जिस प्रोजेक्ट में आ, मुझे वो इजाज़त मिलती है वो करता हूँ फैमिली मैन में करता हूँ गुल मोहर में किया बंदा में आ, जोरम में वो नहीं किया मैंने क्योंकि जोरम मेरे लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट कैरेक्टर था और उसको करने के लिए मुझे बहुत तपना तपना पड़ पड़ा था तो मैं चाहता था कि मैं बिल्कुल अलग रहूँ सबसे तो अगर सारी यूनिट इधर बैठी होती थी तो मैं दूसरी तरफ पेड़ के नीचे वहाँ पर मैं वो डमी डमी बच्चा बांध करके बैठा रहता था और वो डमी बच्चा दस किलो का होता था जो असली बच्चा था वो छः किलो का था और जो डमी बच्चा था वो दस किलो का था तो उसको बांध के आप बैठे हुए हैं पूरे दिन आप काम कर रहे हो फिर बैठे हुए हैं तो उसमें मेरे मैं लोगों से बात करना पसंद नहीं करता हूँ इस तरह के किरदार जब मैं कर रहा हूँ <coughs> लेकिन अमूमन मैं इस तरह के अनुशासन बना के रख, चलता हूँ जहाँ पे हम सब एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट कर रहे होते हैं जहाँ पे मैं सबकी हेल्प कर रहा होता हूँ फैमिली मैन हो साइलेंस हो इन सब में सबके सब एक हम मैं चाहता हूँ सब एक दूसरे का हाथ पकड़ के चले, मैं उनके परफॉर्मेंस को जितना हो सके डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प करूँ सपोर्ट करूँ ताकि अगर वो यहाँ हैं तो परफॉर्मेंस में यहाँ आए जब वो यहाँ आते हैं तो मैं यहाँ जा सकता हूँ अगर वो यहां रहेंगे तो मैं यहीं आ सकता हूं सो दिस इज अ गिवेन टेक परफॉर्मेंस इज गिव एन टेक इट्स नेवर अबाउट वन वे ट्रैफिक तो अगर अगर प्राची यहां पर रहेगी तो मैं मैं यहीं पे आ सकता हूं मैं यहां नहीं जा सकता हूं देन आई विल लुक लाइक एन ऑड पर्सन आउट कि इतनी hmm. एक्टिंग क्यों कर नो सो आई है हियर टू गो हियर सो ये बहुत जरूरी है हम लोग फैमिली मैन में करते हैं हम कम से कम नहीं भी तो दस रिहर्सल करते हैं एक एक सीन की और तीन कैमरे होते हैं तीन कैमरे का मतलब ये है कि यू डू इट डू एवरी थिंग एट वंस एंड देन वो कैमरा शिफ्ट होता है तो इतना कर देते हैं हम लोग कि वो बेस पुख्ता हो जाता है शारे भाषमी यहाँ पे होता है है hmm. ना और तब मैं हम दोनों जो है एक दूसरे के साथ जुगलबंदी करते हैं <laughs> तब मज़ा आता है सबसे बढ़िया जुगलबंदी किसके साथ होती है पिर? बहुत अच्छी है शाज के साथ बहुत अच्छी होती है मेरी आ, 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 आपको समंता के साथ में फैमिली मैन जबकि उस, उसकी हिंदी की उतना नहीं।, नहीं अच्छी नहीं। है लेकिन फिर भी मैं समझ जाता था कि, आ, वो उसके अंदर में आ, एक जैसा सीक्वेंस था जिसमें कि मैं उससे झूठ बोल रहा हूँ कहानी सुना रहा हूँ एंड शी इज़ लुकिंग एट मी एंड टॉकिंग तो जब वो बात करना शुरू करती तो कहती है कि आप मैंने जो कहानी कही और आपने कही उसमें आ, ये है कि आपने जो कहा वो आपने झूठ बोला hmm. और मैंने जो बोल बताया कहानी वो सच्ची, सच्ची कहानी सो इन दिस का ऑफ अ सीक्वेंस अगर जुगलबंदी नहीं होगी hmm. तो हमारी परफॉर्मेंसेस बहुत अच्छी होगी बस अच्छी तक रुक जाएगी तो क्या हम सिर्फ अच्छा रहना चाहते हैं अच्छे सिर्फ अच्छी परफॉर्मेंस देना चाहते हैं या हम अपने आप को सरप्राइज करना चाहते हैं फॉरगेट अबाउट सरप्राइजिंग द डायरेक्टर और सरप्राइजिंग ऑडियंस नो नो दैट्स नॉट आर जॉब आर जॉब इज टू सरप्राइज आर सर्स कि हम अपनी अपनी सारी जितने भी लिमिटेशंस uh, हैं हम उसको तोड़ करके इतना आगे जाएं कि हम कोई सरप्राइज हम आश्चर्यचकित हो जाएं कि अरे ये क्या मैंने किया क्या ये ये मुझसे हो गया वो तभी होगा जब आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है वो तभी होगा जब सब लोग साथ में मिलकर के रिहर्सल अच्छा करें और सब एक दूसरे को सपोर्ट करें तभी हो सकता है प्राची आपने मनोज जी के साथ काम किया और कहते हैं ना कि जब आप किसी सीनियर कलाकार के साथ काम करते हैं अपने फील्ड की किसी भी सीनियर व्यक्ति के साथ काम करते हैं तो आप कुछ ना कुछ सीखते हैं कुछ ना कुछ घर लेकर जाते हैं आपका हासिल क्या था उनके साथ काम करने का ऑफ़कोर्स हर एक्टर की तरफ बिल्कुल एन एप्सोलूट ड्रीम कम ट्रू की मनोज सर के साथ यू नो यू गेट टू शेयर स्क्रीन स्पेस मैं सर को बहुत ऑब्जर्व करती थी जब मेरी सीन सर के साथ नहीं थे मैं जाकर मोनिटर के पास बैठती थी बिकॉज बहुत बहुत अच्छा लगता है मुझे टू वॉच मनोज सर परफॉर्मिंग लाइव आई थिंक फर्स्ट इंस्टॉलमेंट जो था शायद uh, हमारे सीन्स में सर जब यू नो अपने डायलॉग्स बोल रहे होते हैं या एक्टिंग कर रहे होते हैं मैं कभी कभार भूल जाती थी कि हमें भी करनी है एक्टिंग यू डोंट जस्ट वॉच हिम यू नो ही इज़ अ ड्रीम टू वॉच फॉर एनी स्पेशली अगर आप ख़ुद एक परफॉर्मर हैं एक्टर हैं uh, trust me it's you know it is it is a dream to watch him perform live um.

ब्रिलियंट लाइक ही सेड यू नो ही was सरप्राइजिंग himself it इट so सो to टू वॉच एंड मैंने आई गेस उसके लाइक साइलेंस के कुछ दौर पहले ही फैमिली बैंड टू देखा था यू नो और उनका कोई और काम देखा था तो जब मैं सेट पर मनोज सर को देखती थी मुझे बस ए सी पी अविनाश नजर आते थे मुझे कभी वो दूसरे शो या फिल्म का के कैरेक्टर नहीं नज़र आए दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ मनोज सर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ आ स सर मुझे एक किस्सा याद आता है कि फैमिली मैन के प्रमोशन के दौरान मार्केटिंग टीम ने आपसे कुछ आ, आपके किरदार के आवाज़ में या उनकी तरह से करने को कहा था लेकिन आपने कहा श्रीकांत ऐसा नहीं कर सकता ये उसका बॉडी लैंग्वेज ही नहीं, नहीं है तो मैं ये क्यों करूं नहीं। 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 तो इस तरह की वियर्ड डिमांड्स या फिर आ, ये शब्द शायद सही नहीं होगा या वियर्ड ब्रीफ किसी डायरेक्टर के द्वारा कभी आपको दिया गया और क्या क्या डिमांड्स ऐसी रहती हैं डायरेक्टर्स की या फिर मार्केटिंग वालों की जो आपको लगता हो कि क्या बोल रहे हैं क्यों कर रहे हैं लेकिन उसके बाद वो जैसे वो सपनों में मिलती है right. वो एकदम उन आपको बोला गया कि जाके बस आप ना, और बी right. नहीं आता तो भी कीजिए लेकिन वो इतना हिट है right. तो ऐसी क्या ब्रीफ आपको कुछ याद है या ऐसे डिमांड्स आपको लगता है आ, मार्केटिंग वालों का मुझे बहुत बाद में समझ में आया कि नॉट एवरी ऑफ the 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 project, the project that you are promoting right. क्योंकि वो बहुत सारे आई बोसिकली लेने के लिए सारी चीजें करनी पड़ती हैं लेकिन श्रीकांत तिवारी पे इतना काम किया हुआ है उसके साथ जिया है मैंने कि अगर आप कहें कि श्रीकांत तिवारी नहीं सर ऐसे करना है तो मैं कहूँगा क्यों करूँगा मैं क्योंकि मैं मैंने किया है मैंने जिया है अब आप कह रहे हो श्रीकांत तिवारी ऐसा है जबकि आप उसके पार्ट भी नहीं हैं तो फिर मुझे वहाँ पर डिसग्रीमेंट बहुत मेजर हो गई थी मेरी और मैंने करने से मना कर दिया था तो जिसपे कि जो जिनको दिया गया था डिलीट करने के लिए ही वॉट ही वॉज रियली डिसअपॉइंटेड कि मनोज सर ने जो है मना कर दिया अब मेरा मैं कैसे कर पाऊँगा देन बा, 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 बाकी लोग आए उन्होंने मुझे समझाया कि सर ये आके चला जाएगा तो फिर मैंने कहा ठीक है लेके आओ आ, राइटर को मैं उसके साथ बैठ कर लिखता हूँ फिर मैंने बैठ करके उसके साथ मैं लिखा उसको बनाया कि श्रीकांत तिवारी कैसे कैसे तो उसके क्लोज कैसे नज़दीक कैसे कर सकते हैं इसको आ, क्योंकि ये एकदम से डिफरेंट किरदार श्रीकांत तिवारी की तरह से आएगा हम लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं जो मैं जिसका मैं हिस्सा नहीं होना चाहता तो इस तरह से कहीं कही ना कहीं किसी समझौते पे हम लोग पहुंच जाते हैं लेकिन डिमांड्स तो मार्केटिंग के डिमांड्स जो होते हैं वो फुलफिल आप इंटेंशनली नहीं कर रहे हो मैं आपको सच सोच किलटली कर रहे हो hmm. आप करना नहीं चाहते हो लेकिन यू आर जस्ट फ्लोइंग मतलब आप बह रहे हो सिर्फ क्योंकि चलो ठीक है hmm. अब प्रमोशन करना है अब इन लोगों का आइडिया है चलो यार hmm. चलो कर लो जल्दी कर लो खत्म करो इस तरह से होता है वो उस चीज से कभी कभी नफरत भी होती है क्योंकि यार मैं काम करने आया हूँ और मैं कह रहा हूँ चलो खत्म करो जल्दी खत्म करो बट वो अगर मेरा एटीट्यूड जो काम के समय होता है वो नो no कॉम्प्रोमाइज वाला एटीट्यूड रहता है बिल्कुल इतना सा भी मैं कॉम्प्रोमाइज करने में यकीन नहीं रखता हूँ अब यहाँ पे करना पड़ता है आपको तो दोनों विरोधाभास है दोनों में अब इसके इस कुछ एक विरोधाभास के साथ आपको जीना पड़ता है hmm. तो उसके साथ जी रहे हैं यू नो ये इट इज़ अ क्रिएटिव फील्ड एंड इट इट इज बिटवीन द पीपल एंड यू तो इसका ना जॉब क्राइटेरिया को कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है दर इज़ नो डेफिनेटिव लाइक ये मेरा डेजिग्नेशन है मेरे ये मुझे ये ये चीज़ें करनी है या ये मेरा काम है ऐसा कुछ नहीं है तो कोई भी आप पर कोई भी सरप्राइज़ आकर यू नो फेंक देता है एंड देन यू आर इन दैट मोमेंट आपको वो कॉल लेना है कि

कि ये डायरेक्टर का मीडियम है थिएटर जो है जो आप करती हैं या मैंने किया है वो एक्टर्स का मीडियम है वहाँ पे एक्टर्स को सुनना जो है डायरेक्टर्स का का धर्म है क्योंकि वो वही वो परफॉर्म कर रहा है और वो ही दिख रहा है और उसका सीधा ताल्लुक़ सीधा संवाद जो है दर्शकों के साथ हो रहा है और दो घंटे और कोई नहीं है उस प्ले को आगे लेके जाने के लिए सिवाय एक्टर्स के तो डायरेक्टर का साथ में क्या है कि मैं बचता हूँ किसी भी तरीके की बहसबाजी से बहुत सारे उनके रिक्वायरमेंट्स आते हैं बहुत सारे उनके सजेशंस आते हैं वो चाहे कम्प्लीटली डिसग्री है ना बहुत आ, अंदर तक मुझे ना तक तकलीफ होती है कि इज़ नॉट गेटिंग और शी इज़ नॉट गेटिंग इट लेकिन मैं क्या करता हूँ तो उस उस केस में मैं हमेशा दो टेक करता हूँ अच्छा एक खुद का एक हाँ एक खुद का और एक डायरेक्टर का हमेशा करता हूँ और नया एटी परसेंट नाइन्टी परसेंट टाइम डरेक्टर खुद ही कहता है कि यस यू आर राइट यू आर राइट कई बार देख के एहसास होता है कि ये एग्जैक्टली exactly करना क्या चाह रहा था mm -hmm. क्योंकि थैरी एक्टिंग इज नॉट अबाउट अबाउट थैरी इट्स नॉट एक्टिंग इज ओनली अबाउट डूइंग इट जब तक आप करोगे नहीं तो जो भी आपने होमवर्क किया है या जो भी सोच रहे हो वो वो एग्जीक्यूट जब तक नहीं करोगे तब तक पता ही नहीं चलेगा कि जो सोच रहे हैं या जो होमवर्क किया है आपने वो सही है कि नहीं है या जो डायरेक्टर जो सजेशन दे रहा है वो उसको अगर गलत प्रूफ करना है या सही प्रूफ करना है उसको करके ही दिखा सकते हो उसके अलावा कोई चारा नहीं है

मैं आ, जैसे मैं अमित जी के साथ काम करना था पहली बार फिल्म में तो मुझे सपना आता था, था कि मैंने जो है मेरे ही नहीं हो रहे <laughs> और अमित जी देख रहे हैं मुझे दूर से है ना तो आ, इस तरह के सब मतलब सप, आ, का या फिर आप किरदार इतना ज्यादा हावी हो चुका है आपके ऊपर में कि किरदार के जो संघर्ष है जब आप सपना देख रहे होते हैं तो वो संग, वो संघर्ष आपका हो रहा होता है तो वो स, जब जब सपने में संघर्ष आपका चल रहा होता है जबकि वो किरदार का संघर्ष है रियल जिंदगी में तब आपको घबराहट और नहीं। नहीं। ये सारी चीज़ें जिस तरह से होती हैं लेकिन मैं उठता जब हूँ ना तो सबसे पहले अगर मुझे फिल्म से रिलेटेड आ गया तो सबसे पहले मैं नोट डाउन कर लेता हूँ ताकि भूलू नहीं उसको हाँ तो आप आज भी नोट्स बनाते हैं मैं 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 कभी नोट बना बना देता हूं, मैं बना कर, कर देता देता के रख बैग में ऐसे डाल देता हूं, पेपर ताकि समय पे मैं निकाल लूँ। सबसे ज्यादा आइडियाज ना हम लोगों को बाथरूम में आते हैं हाँ। तो कभी ऐसा हुआ है कोई किरदार आपने एक तरह से करने का सोचा हो फिर उसके साथ आपने एक दिन गुजारा और स्क्रिप्ट के साथ दो दिन गुजारे और फिर आपको लगा कि ऐसे नहीं ऐसे करता हूँ या दूसरी तरह से करता हूँ तो होता रहता है थिएटर थी, में थिएटर में सिखाया जाता था हमको कि जब भी कोई चीज़ कर रहे हो कोई भी परफॉर्मेंस कर रहे हो तो हमेशा जो है डब्ल्यूज इस्तेमाल करो डब्ल्यू का मतलब है वाई वॉट वेयर वैन ये सवाल जो है हमेशा कीजिए कि जब आप कर रहे हैं आपको लग रहा है कि बहुत सही है तो उस पर सवाल खड़े करो क्यों करूँ कैसे करूँ कहाँ तो ये जब सवाल जब आप करना शुरू करते हो कि भाई क्यों करो क्यों सही है ये है ना तो वो आपको वो आपका ग्रोथ होना शुरू हो जाता है फिर आप सोचते हो कि हाँ यार सही इसको इसको ना कुछ और ढंग से करना करने की कोशिश करते हैं सो यू आर नॉट यू डोंट गेट सेटिस्फाइड यू नो विथ जस्ट वन आइडिया जो आपको आया आप उस आइडिया को क्वेश्चन करते हो जब वो क्वेश्चन करना शुरू करते हो तो उसमें बहुत सारे और भी सवाल खड़े होते हैं मैं उसको आप डिफरेंटली करने की कोशिश करते हो नहीं तो हम अगर हम एक से ही जुड़ के रह जाएंगे तो दिक्कत होती है जैसे मैंने एक टेक किया एक टेक करने के बाद जब दूसरा टेक हो रहा है तो दूसरा टेक मेरे लिए बहुत बड़ा मौका है कि मैं अपने आप को इम्प्रूव करूँ वही करने का मतलब नहीं है तो इसलिए छोटी छोटे 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 बदलाव जो है ना करता रहता हूँ कभी कभी कर रहा हूँ तो आइडियाज़ आ रहे हैं करते हुए आइडियाज़ आते हैं जैसे बंदा का आ, लास्ट का जो पूरा मोनोलॉग है वो छः पेज का था और मैंने डेढ़ सौ बार से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस की थी इतनी प्रैक्टिस कर दी थी कि मैं सोते हुए भी उसको बोल सकता था लेकिन जब मैं कर रहा था उसको तो अचानक जब मैंने लास्ट का जो लाइन बोला जब करते करते ना मेरे अचानक लगा कि आ, मुझे होठ ऊपर कर फड़फड़ा रहे हैं यहाँ पे तो उसको मैंने होने दिया Hmm. अपने आप ही होने दिया मैंने उसको उसकी तैयारी नहीं थी जब मैं कर रहा था तभी यह एहसास हुआ कि मेरे ऊपर के यहाँ सेंसेशन आ रहा है आई शुड लेट इट आई शुड जस्ट एक्सेंचुएट आ hmm. रहा है रोक रोकता नहीं हूं मैं और वो हुआ लोग अभी भी उसको याद करते हैं yes. <laughs> yes. किसी, किसी ने बोला <laughs> you know, so, uh, जो हो रहा है उसको होने दीजिए क्योंकि जब आप मोमेंट में हैं तब आप सही हैं जब आप सोच सोच रहे होते हैं उस पर तब आप पूरे तरीके से सही नहीं जब आप पूरे तरीके से उस क्षण उस, उस में हैं उसको जब जी रहे हैं तो जो भी चीज़ें अचानक से आ रही हैं उसको होने दीजिए क्योंकि वही सही है वही सत्य है उस समय का प्राची आप जब कसम से कर रही थी आप डेली मतलब ये टीवी सीरियल के साथ तो ये होता है कि आप रोज़ सेट पे होते हैं मतलब मैं ये कहूँ कि आप नींद में भी वो किरदार कर सकती थी क्योंकि आप इतना उस किरदार को जी रही थी कई सालों तक आपने उस किरदार को जिया है तो फिर जब उस सीरियल से आपने एग्जिट किया वो सीरियल ख़त्म हुआ उसके बाद जब आपने स्विच किया प्रोजेक्ट तो क्या आपके अंदर वो किरदार रह गया था फिर आप उससे कैसे बाहर निकली कैसे आपने बोला कि नहीं दिस इज़ द रियल प्राची ये मैं रियल हूँ अब मैं वापस रियल कैरेक्टर हूँ फॉर श्योर एक्चुअली मैंने जब कसम से किया uh, मैंने कभी तब कैमरा फेस नहीं किया था सो वॉटर आई हैड टू लर्न मैंने ऑन द जॉब सब सीखा uh, हर रोज़ मुझे कुछ ना कुछ नया सीखने मिलता था जब पहली बार मैंने कैमरा फेस किया मुझे ये भी नहीं पता था कि मैं यहाँ देखूँगी तो मेरा फेस नहीं होगा कैमरा पर Um, ये बेसिक्स मुझे सीखने पड़े और बहुत जल्दी सीखने पड़े बिकॉज uh, जब हमने शो की शूट शुर, uh, शुरुआत uh, की थी आई थिंक अक्टूबर या नवंबर था और जनवरी फर्स्ट वीक में हमारा टेलीकास्ट था सो so, हमने यू you नो know, एक या दो महीने पहले शूट शुरू की थी uh, इतने में मुझे इतने बढ़िया मेरे कोस्टार्स थे जो यू नो आई फील लाइक वो लेसन्स जो मुझे मिले थे इट वॉज़ बिकॉज ऑफ देम राम कपूर थे अश्विनी कालसेकर थी सुधा uh, शिवपुरी uh, जी थी और जतिन uh, सयाल ऐसे बहुत सारे एक्टर्स uh, थे हर रोज़ कुछ ना कुछ उन्हें ऑब्जर्व करके या उनकी बातें सुन के मैं सीखती थी राम uh, से मैंने सीखा था कि कैसे आप हर एक uh, एक्टर जो है उस सीरीज़ में मेन हमारा प्लॉट था कि हम तीन बहनें थी और हम इनके घर पे आए हैं हेल्प लेने के लिए तो उनसे मैंने सीखा था कि मेरा जो डिमीनर है वो हर एक कैरेक्टर के साथ कैसे अलग होना चाहिए मेरा बिहेवियर सेम नहीं होगा जो पहले दिन शूट करते वक्त ये ऐसी बेसिक चीज़ें मुझे बिल्कुल नहीं पता थी अश्विनी ने इतना साथ दिया था मेरा शी वॉज प्लेइंग दी एंटैगनिस्ट और बस हमारा पूरे शो में ना ओनली हेट एंड हेट रिलेशनशिप था कोई लव हेट नहीं था ओनली हेट रिलेशनशिप था वो मुझे सारी पहनाना सिखाते थे वो मुझे बताते थे कभी मेरा अगर दो तीन पेज का मोनोलॉग है hmm. एक पार्टी सीन में अगर मुझे एक स्पीच देना है तो वो मुझे आकर ना कुछ अच्छी बातें बता जाती थी एंड बस उसके बाद मैंने अगर लर्न कर लिया है नाव आई विल जस्ट फ्लो विथ इट यू नो इट्स नॉट अ टेस्ट इट्स नॉट एन एग्जाम कि आपको बस ये ये ओरल टेस्ट देना है और बोलना है तो बहुत सारी चीज़ें सीखी मैंने बस दो साल के लिए वो टेलीविज़न किया था बट इट वॉज द लर्निंग वॉज इमेंट्स ऑल्सो क्योंकि प्रेशर हम पर इतना होता था उन दिनों बहुत डिजिटाइज नहीं थे हम सो so, हम आज जो शूट कर रहे हैं वही रात को टेलीकास्ट होना होता था सो so, कभी हमारे क्लोजअप्स अभी शूट होकर वो एडिटिंग के लिए जा रहे हैं और वो फिर सिंगापुर लेकर जाएंगे अपलोड होंगे बहुत स्ट्रेसफुल सिचुएशन होता था कभी सीन्स एंड मिनट पर चेंज हो जाते हैं तो दिन में आप दस बारह सीन्स शूट करने की प्रेपरेशन <laughs> तो मैंटली आपको रखनी ही है um, इस सब के बीच में टू टू यू नो स्टिल ट्राई एंड ट्राई टू बी अ गुड एक्टर ये आपका सबसे बड़ा चैलेंज था बिकॉज आपको एक से ज़्यादा यूजअली टेक नहीं मिलते क्योंकि आपके पास टाइम नहीं है सो so, इस सब के बीच में हाउ डू यू बी ऑर बेस्ट सेल्फ ये जो प्रेशर स्ट्रेस सिचुएशन है ना ये ये अंडर दैट आई थिंक आई लर्न अ लॉट क्योंकि मैं बहुत बहुत यंग थी तब एंड आई वॉन्टेड टू लर्न वो मैंने सीख लिया उसके बाद वो मेरे जहन से जाना ऑफ़ कोर्स थोड़ा वक्त ज़रूर लगा था बट uh, जब मैंने अपनी पहली फिल्म की रॉक ऑन मेरा साथ ही साथ शूट चल रहा था मैं रॉक ऑन भी कर रही थी झलक दिखला जाए थे हमारा रियलिटी oh. शो जस्ट तब uh, हो रहा था या ख़त्म हो रहा था और मैं कसम से भी कर रही थी सो आई हैड रियली स्ट्रेच्ड माई सेल्फ आउट अ लॉट बट रॉक ऑन में जो मेरा रोल था इट वॉज वेरी हाई सोसाइटी गर्ल अ साउथ बॉम्बे गर्ल बॉडी लैंग्वेज आई थिंक वॉज वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स जो खुद ही बट hmm. वो खुद आया द मिनिट आई आई वॉज इन माई अटायर बिकॉज वो बहुत ही द लुक वॉज वेरी डिफरेंट आई फेल डिफरेंट इन फ्रंट ऑफ द मेर एंड यू नो ये लाइक like, ये मुझे किसी ने बताया नहीं या किसी ने मेरे साथ इन चीज़ों पर काम नहीं किया बट इट वॉज Just through my own understanding, ki ye, this has to be different. This you know, this girl will not behave like this. And I had no idea what, what a South Bombay girl is like. <laughs> I don't think I've, you know, I, I, because I didn't study in Mumbai, so I was not there But you have to, I guess, somewhere um, imagine, create, adapt. Um, and you be, be in yourself, be with yourself, and you figure it out. Mm. Uh, के के मैंने आए थे उन्होंने कहा कि हम मनोज ने हम जैसे एक्टर्स के लिए जो है दरवाज़ा खोला है हाँ, इंडस्ट्री में काम करने <laughs> का तो uh, उन और साथ ही उन्होंने uh, ये भी कहा कि uh, हमें उनका शुक्रिया करना चाहिए तो ये कितना डिफ़िकल्ट रहा मनोज सर कि आपने एक रास्ता बनाया और जिस तरीके से सिनारी अब चेंज हो रहा है सिनेमा का उस तरह के रूल्स को एक्सेप्ट किया जा रहा है प्यार दिया जा रहा है कितना बदलाव आपको लगता है देखिए रास्ता तो बहुत डिफिकल्ट रहा है यहाँ तक पहुँचने में क्योंकि जब चाहे के के हो चाहे इरफान हो चाहे मैं हम जब आए थे तब हमारे जैसे एक्टर्स की कदर करना तो छोड़ ही दीजिए हमारे लिए किसी के पास कोई विजन नहीं था हम जैसे एक्टर्स के लिए और हम हम चाहते हम हम तीनों में से कोई भी कम नहीं चाहता था सब ज़्यादा हम हम ज़्यादा चाहते थे हमारी जो सोच थी हमारा जो सपना था वो थोड़े का नहीं था हम चाहते थे कि हमारी रिस्पेक्ट हो हम जो काम करें वो अच्छा काम करें और इंडस्ट्री जिस तरह की फिल्में बना रही थी उसमें जगह नहीं थी हमारे लिए क्योंकि ना हम हीरो थे उनके लिए ना हम विलेन थे और ना हम लड़की के भाई थे हो सकते थे ना हम लड़के के घर दोस्त होते तो आ, सारी चीज़ों में हमारे लिए कोई जगह नहीं थी वहाँ से भीपू महात्रे हुआ भीपू महात्रे के बाद मैं विलेंस के रोल्स एक्सेप्ट कर सकता था लेकिन जो वो नहीं करना मेरे ख्याल से सबसे बड़ा कदम था और सबसे सही भी कदम था लेकिन उसके लिए बहुत त्याग करना पड़ा सारे के सारे बहुत सारे पैसे का त्याग करना पड़ा बहुत सारे मौके का त्याग करना पड़ा और घर पे बैठ के आपको एक अच्च... अच्छी एक आदत अच्छी स्क्रिप्ट का हमेशा इंतज़ार हर बार लगातार उसका तो इंतज़ार करते तो जाना बड़ा बड़ा कठिन काम होता है लेकिन मेरे ख़्याल से वो जो धीरे धीरे जो चुनाव मैंने जो किया वो सही चुनाव किया मैंने तो जब जब मेरी कोई सफलता होती थी मेरी कोई फिल्म आती थी और उसको सराहा जाता था तो एक पीछे से आ रहे या साथ के किसी उसी तरीके के एक्टर का रास्ता खुल, खुलता था क्योंकि अगर मेरी कदर हो शुरू हो रही है तो मेरे जैसे और भी एक्टर हैं उन, उनकी तरफ देखने का नजरिया लोगों का बदलता चला गया यह सब अनजाने में हुआ मैं तो अपना रास्ता बना रहा था मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ वाले को भी उसका फायदा हो रहा है एंड आज आज देखिए कि उस तरह के कितने एक्टर्स हैं अब और कितने उस तरह की फिल्में बन रही हैं कितने डायरेक्टर्स हैं जो लीक से हट के चीज़ें कर रहे हैं और लगातार कर रहे हैं तादाद में ऐसी फिल्में बन रही है तादाद में ऐसे एक्ट्रेस को काम मिल रहा है सो आई थिंक टाइम हैज चेंज केके अपने आप में बहुत बहुत ही उम्दा कलाकार है जिसकी मैं बहुत इज्जत करता हूँ इरफान जिस तरह का कलाकार था जिसकी हम सब इज्जत करते थे एक हम लोग में जिसे कहें कि हम तीनों में एक बड़ा म्यूचुअल एडमिटेशन था है ना हम तीनों एक दूसरे के काम को देख करके सराते थे सीखते थे और सब और हमने एक ही तरीके का संघर्ष देखा था एक ही तरीके के तिरस्कार भी झेले थे तो अगर मेरे किसी मेरे अपने रास्ते मेरी जर्नी से अगर किसी और दूसरे एक्टर को फायदा हो रहा है तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ रही है हमारी शक्ति बढ़ रही है मैंने हमेशा यही सोचा एक बहुत प्यारा वीडियो है बाबिल का वो किसी इवेंट का वीडियो है वो दूर से आपको देखते हैं हाई करते हैं भाग के आपकी तरफ आते हैं आपको हक करते हैं और फिर आप एक डेढ़ मिनट आप लोग आपस में कुछ बात करें ऐसा लग रहा है कि आप कहते हैं ना घर के किसी बड़े की तरह उन्हें समझा रहे हैं तो so, जब कोई दोस्त ऐसे दुनिया से चले जाते हैं जैसे इरफान है तो क्या उनके बच्चों की तरफ जो कुछ आपको ऐसा लगता है कि दायित्व महसूस होता हो बाबिल में बाबिल में इरफान देखता हूँ मुझे बाबिल दिखता ही नहीं है तो बाबिल का कुछ भी काम आता है तो बड़ा गर्व होता है जाहिर सी बात है मैं मैं और के के जितने क्लोज़ हैं उतने क्लोज मैं और इरफान नहीं थे हम दोनों की सर्कल अलग अलग थी लेकिन इज्जत बहुत थी वो भी बहुत इज्जत करता था हम लोग जब मिलते थे तो बहुत एक दूसरे के काम के बारे में बात करते थे उसके चले जाने का दुख तो पूरे उसके सारे जितने भी चाहने वाले हैं उनको तो बहुत बहुत ज़्यादा है और हम लोगों को कहीं उससे ज़्यादा है क्योंकि अच्छी उस तरह के एक्टर्स की ज़रूरत जो है इंडस्ट्री को हमेशा रहेगी अच्छे एक्टर्स का इस तरह से नहीं जाना चाहिए क्योंकि आ, वो जो वॉइड होता है गैप होता है उसको भर पाना बड़ा मुश्किल है और ख़ास करके उस समय में जब ऐसे एक्टर्स की की ज़रूरत जितनी ज़्यादा हो और जितने नंबर में आए जितनी संख्या में आए उतना सही रहेगा और लोगों को इंस्पायर करना अपने काम से लोगों को आ, मोटिवेट करना अपने काम से ऐसे एक्टर्स बहुत कम होते हैं तो जब भी मैं बाबिल को देखता हूँ तो गर्व इसलिए भी होता है कि उसका इंटेंशन बहुत सही है वो काम जो कर रहा है या चुनाव चूज कर रहा है वो बहुत अच्छे इंटेंशन के साथ चूज कर रहा है तो उस पर बहुत प्यार आता है hmm. कि ये 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 जो है सच में ही है का बेटा है uh, ये, ये बाबिल जो है तो मैं और दूसरा क्या है कि उसके अंदर में ऐसी झलक है उसकी इरफान की वेरी <laughs> हम इतनी इतनी ऐसी झलक है कि आई कांट हेल्प बट ओनली सी इरफान इन है तो बहुत प्यार आता है उसके ऊपर एक बड़े के होने के नाते सर जैसे सिनेमा का परिदृश्य धीरे धीरे बदल रहा है मतलब ए आई जिस तरीके से जो है एंटर कर रहा है आने वाला समय ऐसा होगा कि मैं घर बैठे ए से एक फिल्म बना लूँगी क्या ये आ, मतलब ये मतलब मुझे सोचने में भी डराता है कि वो कैसा टाइम होगा मुझे नहीं पता हो सकता है सिनेमा का कैसे देखते हैं आप इसे क्या लगता है आपको इसके बारे में इस्तेमाल ज्यादातर कमर्शियल फिल्म में होगा हो चाहे hmm. वो हॉलीवुड में हो चाहे हमारे हिंदुस्तान में ज्यादातर इस्तेमाल उसमें होगा उसको इफेक्ट्स को लाजवान लाइफ बनाने के लिए लेकिन क्या एआई जैसे कहें कि केके -के की कोई फिल्म कर पाएगा या इरफान की कोई फिल्म कर पाएगा या फिर क्या वो अलीगढ़ कर पाएगा क्या वो गायन सुपवासे पुल कर पाएगा ये सोचने वाली बात है एआई की भी एक लिमिटेशन है क्योंकि वो इंसान नहीं है वही मैं सोच रही थी कि आ, <laughs> वो प्रोफेसर सीरियस जब बैठ के कमरे में ड्रिंक बना के पीते हैं पीछे गाना चल रहा होता है आपकी उंगलियां भी उसके साथ हाँ। हिल रही होती हैं क्या वो एआई कर पाएगा कभी वो, नहीं वो, कर पाएगा देखो ह्यूमन इमोशन क्योंकि सब कुछ होने के बाद वो ह्यूमन नहीं है चाहे वो जितना एडवांस हो जाए वो ह्यूमन नहीं है एक आदमी की जो जर्नी होती है वही वही उसके परफॉर्मेंस में झलकती है और जो दुख दर्द तकलीफ रिजेक्शन Hmm. त्याग जो सारी चीजें धूप में तपना आग में जलना ये सारी चीजें जब होती हैं एक्टर्स के साथ में तो वो निखरता है hmm. वो यात्रा उसकी आंखों में कैमरा देखता है और कैमरा जो है आंखें पकड़ता है आप हमेशा देखना hmm. कैमरे को बड़ा कैमरा बड़ा सम्मोहित होता है वेन देर इज एन एक्टर आईज आर टॉकिंग क्या वो आई आई कर पाएगा क्या सर, वो जर्नी लेके आ पाए करेक्ट तो आज के समय में किसी एक्टर में आपको ये दिखता है जो आंखों से बोल रहा हो मतलब आपको क्या लगता है जब आप नवाज है हम्म नवाज की ये जर्नी बड़ी कमाल रही है केके है उसकी जर्नी आप देखिए केके कहाँ से आया उसकी अपनी स्टोरी क्या है मैं जानता हूं इस बारे में दोनों की जर्नी बहुत अच्छे जान चाहे वो जयदीप है जयदीप अलाव अच्छा चूज करता है अच्छा काम करता है राजकुमार राव है हमारे पीछे के जनरेशन में विजय विजय अच्छा काम कर रहा है गुलशन है बहुत सारे और एक्टर्स हैं पंकज है तो आ, ये इन सबको पता है ये अपने आ, खामोशी किसको को कैसे यूज करना है इन सबको बहुत अच्छे से पता है और बड़े ट्रेंड लोग हैं ये लोग मैं और के, के किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गए हैं, लेकिन ये लोग ना सिर्फ इंस्टीट्यूट में गए हैं बल्कि ऐसी ऐसी जगहों से आते हैं ऐसी ऐसी जर्नी की है इन लोगों ने जिसके कारण ये लगातार ग्रो हो रहे हैं एज एन एक्टर आपको प्राची आज के समय में ऐसे कौन दिखते हैं या किसी कोई फिल्म कोई एक्टर जो आपको आज के टाइम में पसंद हो काफी बहुत बहुत सारे हैं आई थिंक सम ऑफ़ माई फेवरेट एक्टर्स मनोज सर ने उनका नाम भी ले लिया बट uh, मुझे हमेशा से ही तब्बू मैम uh, बहुत mm -hmm. ज़्यादा पसंद है एंड मैं उनकी फिल्में बार बार देख सकती हूँ मुझे कोंकणा बहुत पसंद है विद्या बालन बहुत पसंद mm -hmm. है और एक बहुत ही खूबसूरत एक्टर uh, um, थे फ्रॉम इन दिस फिल्म कॉल्ड सोनी जो नेटफ्लिक्स पर है उन्होंने yeah. उसने एक कप का रोल निभाया था यस ब्यूटिफुल एक्टर गीतिका है तिल, तिलोत्मा तिलुत्मा है तिलुत्मा, आ, बहुत सारे लोग हैं रसिका है रसिका ओह माय गॉड सो अब ये सारे आजकल के ता, आज के समय में ओ के ओ टी हैज गिवेन दम सो मच ऑफ स्पेस सो मेनी अपॉर्चुनिटीज और इतने अवसर मिल रहे हैं इतने काम करने के वेरिड ऑप्शंस हैं तो एक्टर्स को अप, जो है अपना अपना हुनर दिखाने का मौका मिल रहा है hmm. और चाहे वो लड़के हों चाहे लड़कियाँ हों मर्द हों पुरुष हों औरत है कोई भी सब सबके सब इतने सारे भरमार में अच्छे एक्टर्स हैं कि जिनसे आप सीख सकते हैं मैं yes. सीखता हूँ इन सारे नामों से जो मैंने दिया yeah. इनके काम से मैं सीखता हूँ सर so, um... जब एनिमल आई थी काफ़ी बैकलैश मिला था कुछ लोगों ने सराही कुछ लोगों ने कहा कि नहीं पसंद आई सबकी अपनी चॉइस है आपने कहा कि डायरेक्टर को उसका काम करने दीजिए एक्टर को उनका काम करने दीजिए अगर आ, संदीप रेड्डी वांगा जिस तरह का सिनेमा बनाते हैं अगर वो कभी आपको अप्रोच करें तो क्या आप उनकी फिल्म में उनके तरह के सिनेमा में हाथ आजमाना चाहिए मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है मैं हमेशा कहता हूँ कि स्क्रिप्ट मुझे भा जाए और किरदार मुझे अच्छा लगे है ना तो मुझे करने में क्या कोई मुझे करने में कोई कोताही नहीं होगी यही दो 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 चीज़ों की डिमांड होती है आ, काम करने के लिए किसी भी डायरेक्टर्स के साथ में मान लीजिए बहुत बड़ा डायरेक्टर है लेकिन मेरा किरदार मुझे सही नहीं मिल रहा है तो मुझे लगेगा कि यार दूसरा एक डायरेक्टर है जो नॉन डायरेक्टर है नया डायरेक्टर है लेकिन उसका किरदार और कहानी मुझे बड़ी अच्छी लग रही है देन आई वुड प्रिफर टू गो विद दैट डरेक्टर अभी लास्ट ईयर मेरी तीन मेरे जो काम आए तीनों सेलेब्रेट किए गए चाहे वो गुलमोहर हो चाहे वो बंदा हो चाहे वो जोरम हो और तीनों फेयरली न्यू डरेक्टर्स हैं राइट बट ऑल ऑफ देम आर ग्रेट डरेक्टर्स उन्होंने मुझे बड़े कमाल के अपॉर्चुनिटीज दिए कमाल के रोल दिए स्क्रिप्ट दिए सो इट्स इट्स इम्पोर्टेंट दैट गेट समच इज विच हैज समल ये बहुत जरूरी फादरहुड hmm. uh, के बाद uh, फिल्मों की चॉइसेस में प्रोजेक्ट की चॉइसेस में कुछ बदलाव आया या आप लेते हैं बिटिया की राय कभी कि uh, इस तरह का किरदार आया करूँ कैसे करूँ क्योंकि भले ही छोटी हैं लेकिन ये है ना कि एक ओपिनियन नहीं वो मुझे वो सलाह देती रहती है अच्छा <laughs> आ, हा, 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 और बहुत सारे सलाह देती रहती है मुझे आजकल के और मुझे, मुझे वो हमेशा <laughs> कहती है कि YouTube हैंडल तुम बनाओ अच्छा। है ना तुम YouTube वीडियो क्यों नहीं बनाते हो क्योंकि आजकल का जो ब्लॉगिंग ये लोग ये लोग इन लोगों को वो सब चीजें बहुत भाती हैं वो अपना वीडियो बनाती रहती है हाँ नावशीज वो काफी उसमें एक्सपर्ट हो चुकी है और वो पांच छह साल की थी तब से बना रही है अपना अपना अलाउड नहीं है अच्छा इंस्टाग्राम हैंडल बनाना अभी अलाउड नहीं है जिसके लिए झगड़े बहुत होते हैं घर पर और मैंने जो है बिल्कुल उस पर जिद पकड़ा हुआ है कि खास उम्र के पहले तक इंस्टाग्राम फेसबुक ये सब हुँ, आपका अकाउंट नहीं बनेगा हुँ, हुँ। तो देखिए कब तक मैं मैं सफल हो पाता हूँ कभी कभी लगता है कि मैं हारने वाला हूँ कभी कभी ऐसा लगता है लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा कलेजे को सख्त रखना पड़ता है लेकिन वो राय देती रहती है ज़्यादातर राय यही होती है कि मुझे YouTube पॉडकास्ट <laughs> बन, बनानी चाहिए हाँ, हाँ, <laughs> क्योंकि दूसरे के पॉडकास्ट देखती है हाँ, हाँ। तो आपका प्लान है कुछ ऐसा बनाने का कहाँ टाइम कहाँ है मतलब बहुत बड़ी जिम्मेदारी है एक बार हाँ। आपने शुरू कर दिया देन यू हैव टू हैव अ सेटअप वेयर यू हैव टू गो फिर जाके बनाइए मैं मुझे अच्छा लगेगा मैं मैं अपने पसंदीदा एक्टर्स को बुला करके या पसंदीदा लोगों को बुला के उनसे बातचीत करूं किसी भी फील्ड से कितना मजा मजा आएगा आएगा हाँ, सुनने में कितना हाँ, हाँ, तो वो बहुत ही अच्छा आइडिया है उसका लेकिन उसकी कमिटमेंट है मैं हम लोग जैसे प्रमोशन के लिए सारे पॉडकास्ट वालों के पास जाते हुँ, हैं हुँ। तो टाइम देना पड़ता है आपको वो लोग बेचारे एवरी वीक मतलब हर हफ्ते उनको वो बनाना पड़ता है अब सबका एक अच्छा खासा सेटअप मैंने देखा कि उन्होंने बड़ा सा ऑफिस लिया हुआ है, है। और करीब चार कैमरे हैं और पूरे लाइटिंग वाइटिंग ये सब करके तो इसके लिए कमिटमेंट चाहिए जो अभी काफ़ी बिजी समय है पर आ, उनके साथ एक मेरी भी रिक्वेस्ट ऐड कर लीजिए इसमें सर शुरू ही कर दीजिए <laughs> 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 तो हम हमको बहुत मजा आएगा अच्छा आपने बोला ना कि इस तरह के पॉडकास्ट की बात हुई कि इंडस्ट्री से लोगों को बुला के या दूसरी जगहों से लोगों को बुला के अलग अलग फील्ड से आप बात करना चाहते हैं जब आपकी फील्ड के लोग आप लोग घर में बैठते हैं जैसे पंकज त्रिपाठी हो गए के के मैनन हो गए जब आप लोग साथ में बैठते हैं ना ऐसे घर पर या कहीं पर भी मिलते हैं तो क्या बातें होती हैं अच्छा हम लोग दुनिया जहान की बात करते हैं लेकिन कभी परफॉर्मेंस के बारे में बातचीत हम लोग नहीं करते कभी ना 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 कभी नहीं करते कि के -के साथ में तो अमूमन जो है हम लोग इंडस्ट्री के जो रॉन्ग डूइंग्स है उसी पे बातचीत चल रही होती है और कैसे कैसे क्या क्या होना चाहिए जिससे कि इंडस्ट्री इम्प्रूव करे हाँ तो इस पर बात ज़्यादा होती है या फिर या फिर खाने पे बातचीत होती है या फिल्मों के बारे में बातचीत होती है किताबों के बारे में बातचीत होती है और ये आपको पता है के, के मन कभी दूसरी बार आए तो ज़रूर बोलिएगा उसे मैंने इतना पैशनेटली बागबानी करते हुए किसी और को नहीं देखा है उसको बहुत शौक है प्लांट्स का और ज़्यादातर समय वो बिताता है वो प्लांट्स के साथ में उसका एक बहुत ही लकी रहा उस मामले में कि उस समय घर लिया था उसने तो एक छत है टेरेस है उसका उस वो टेरेस सिर्फ प्लांट से भरा हुआ है और उस पर अलग अलग चिड़िया आती है मुंबई जैसे शहर में और वो प्लांट्स में ही लगा रहता है उनके साथ में ही लगा रहता है उसको नॉलेज बहुत ज़्यादा है इन सब चीज़ों का सर आपने कहा कि आप लोग बात करते हैं कि इंडस्ट्री में क्या बदलना चाहिए इसके बारे में तो आपको क्या लगता है क्या बदलना चाहिए वो एक चीज़ जो आपको लगता है सबसे कि... पहली बात कि हम बॉक्स ऑफिस फिगर्स पे बात करना बंद करें बॉक्स ऑफिस फिगर्स पे बात कर कर के कर कर के हम सिर्फ मीडियोक्रिटी को बढ़ावा देते हैं हम फिल्मों के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं हम सिर्फ बॉक्स ऑफिस फिगर्स के बारे में बात करते हैं तो यह, यह समस्या पैदा हो रही है बहुत बड़ी कि बॉक्स ऑफिस फिगर्स के नाम पे आप किसी भी चीज़ को कहते हो कि ये सही है ये हिट हो गई ये फ्लॉप हो गई क्या हम जो फिल्म आ रही जो फिल्म देखी हमने क्या हम उस पर बात करें कब करेंगे उसके बारे में ऑडियंस को अभी दिक्कत क्या हो गई है कि इतना ज्यादा सोशल मीडिया पे ट्रेड के अलावा लोगों ने बात करना शुरू कर दिया है कि अब दर्शक भी बात करना शुरू कर दिया है जबकि दर्शकों का कोई लेना देना नहीं हाँ। उन बेचारों ने तो पैसा दिया है आपने जाकर के फिर फिल्म देखी उनको फिल्म कैसी दी आपने कैसी फिल्म लगी उस पर गौर करना चाहिए क्योंकि वो प्रोड्यूसर का पैसा है डिस्ट्रीब्यूटर को पैसा जाएगा उस दर्शकों के शेयर में नहीं आने वाला तो फिर उस फिगर के बारे में बात क्यों हो रही Uh, जैसे आपने ये आपकी प्रोजेक्ट है आपको भैया जी से सौ आपके प्रोजेक्ट्स पूरे हो जाएंगे इस इंडस्ट्री में पहले तो बहुत बहुत so हमें इतना देने के लिए। so, आप उस जगह पर हैं जहां पर आपको कोई छू नहीं सकता फिर भी क्या कोई ऐसी हसरत है कोई ऐसा रोल जो आपको लगे कि मैं करना चाहूंगा नहीं, ऐसे बहुत सारे, <laughs> <हैं>। <laughs> बहुत, सारे <laughs> रोल हैं। नहीं, बहुत सारे रोल है Uh, मैं वो बोलूँगा नहीं क्योंकि कुछ पे काम चल रहा है <laughs> लेकिन बहुत सारे रोल हैं जो मैं करना चाहूँगा uh, मैं अब ज़्यादातर मुझे मुझे लगता है कि अब हमें थोड़ा सा गाँव की तरफ जाना चाहिए गाँव को पूरी पूरे ज़मीन को तलाशनी चाहिए पहाड़ों में जाना चाहिए वहाँ की ज़मीन को तलाशू वहाँ के हैपनिंग्स हैं वहाँ की कहानियाँ लेके आइए हम लोग ज़्यादातर शहरों की कहानियाँ कह रहे होते हैं हम हम गाँव जाते ही नहीं हैं बिल्कुल नहीं जाते हैं। ज़रूरी है कि वहाँ की परंपराएं और वहाँ से निकला हुआ किरदार वो जब पर्दे पे आएगा तो लोग काफ़ी भैया जी जैसे भैया जी में हमने ट्राई किया है कि एक मेन स्ट्रीम कमर्शल फिल्म को हम कैसे एक रूटेड एक बनाएं, कैसे गांव की कहानी को हम हम बड़े पर्दे बड़े पर्दे पर लेके आएँ और बड़े ढंग से कहें उसको और वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप वहाँ का जो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है वहाँ के जो परंपराएं हैं

में सर आँखों पे बिठाए और वो आएगी आपको इस साल के एंड तक में आ ही जाएगी देखिएगा पहाड़ कहानी पहाड़ की पूरे खालिस पहाड़ पहाड़ की कहानी है और उसमें पहाड़ी किरदार है तो आप देखिएगा तिलोत्मा ने इतना बढ़िया काम किया छोटा रोल लेकिन इतना इतना अमेजिंग काम किया है तिलोत्मा ने दीपक डोबरियाल जो कि खुद पहाड़ का आदमी है गढ़वाली है तो वो उसने कितना बढ़िया काम किया है तो आप देखिएगा सर मैं तो इंतज़ार करूंगी उसके रिलीज़ होने का आपका कोई ऐसा ड्रीम रोल जो आप चाहेंगे आने वाले समय में करना आपने पहाड़ों की बात की तो मेरा बहुत आ, मन किया कि यू you नो know, मैं भी कभी वहाँ जाकर शूट करूँ मैं पंचकनी में बड़ी हुई हूँ सो आई कभी भी मुझे कोई पूछता है तो आई ऑलवेज से एम अ माउंटेन गर्ल आई थिंक रोल्स के, के हिसाब से मेरी मेरा बहुत मन है कि मैं कोई लव स्टोरी शूट करूं आई थिंक काफ़ी सारे मैंने थ्रिलर्स सस्पेंस स्टोरीज ये सब हुए uh, हैं बट एक लव uh, स्टोरी मैंने कभी नहीं की और uh, उसमें आई थिंक माउंटेन्स हमें uh, <laughs> <laughs> बहुत काम आएंगे एंड मे बी समथिंग लाइक अ गायत्री देवी स्टोरी और यू नो समथिंग इंस्पायर फ्रॉम हर लाइफ ऐसा ऐसा कुछ एक uh, हो आई वुड लव टू डू समथिंग दैट इज पीरियड यस ओके okay. अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसा सवाल जो हो सकता है आपकी भूख बढ़ा दे आपने तो अपनी बिरयानी का इंतज़ाम कर लिया है और क्या क्या चीज़ें हैं जो आप दिल्ली की मिस करते हैं बहुत ज़्यादा मुंबई में या दिल्ली का जीवन मिस करता हूँ खाने की चीज़ खाने की चीज़ें तो बहुत सारी हैं नथू के मैं मतलब छोले भटूरे बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ और भी बहुत सारे हैं पहले का पता नहीं काकेदा काकेदा ढाबा काके, दा, काके, दा काके हाँ पता नहीं अब कैसा वो बटर चिकन देते हैं पहले बहुत ही कमाल देते थे दिल्ली दरबार दरियागंज अभी खाया आपने हाल फिलहाल में नहीं मैंने अभी रिसेंटली तो वहाँ खाया था मंडी हाउस के पीछे जी मंडी हाउस के पीछे क्या नाम है हाँ, वही बंगाली मार्केट हाँ, बंगाली मार्केट में हाँ, हाँ, तो अब उनका स्वाद तो पहले जैसा नहीं नहीं जी बिल्कुल हाँ. नहीं सही है ऐसे बहुत सारे हैं मतलब देखिए दिल्ली के बारे में मेरा अपना मानना है कि आपको किसी होटल में जाके खाने की जरूरत नहीं है आप सड़, सड़क पर कहीं भी गाड़ी रोक के खा सकते हो आपको अमेजिंग खाना मिलेगा क्योंकि पंजाबी बेसिकली पंजाबीयत काफ़ी रही है यहाँ पे वही लोग यहाँ पर ज़्यादा सेटल हुए बाद में फिर पूरब के लोग आने शुरू हुए तो यहाँ के कल्चर में यहाँ के खाने में पंजाबीत बहुत है खाना बनाते भी हैं जी क्या सबसे अच्छा बनाते हैं मीट भात बहुत अच्छा मैं आलू परोड़ की सब्जी भी बहुत अच्छा बनाता हूँ साग भी बनाता हूँ बहुत बढ़िया थैंक यू सो मच हमें समय देने के लिए आप लोग आए हमसे बातचीत की बहुत मज़ा आया और जी पर आ रही है साइलेंस टू देखिएगा कमेंट करके बताइएगा कैसी लगी तब तक खुश रहिए स्वस्थ रहिए देखते रहिए ललन टॉप थैंक यू